फिल्म इस इसका जो मेन लाइन है डबल मिंट का, सम स्टार्ट समथिंग फ्रेश. तो इस फिल्म में एक बहुत ही प्योर, एक इनोसेंट जो पहला प्यार होता है ना, इट वॉज अबाउट दैट. सो फर्स्ट लव और पहला जो प्यार होता है उसकी जो एक इनोसेंस होती है, प्योरिटी होती है, उसको हम दर्शाने की कोशिश किया इसमें आई थिंक. सो की था कि कास्टिंग, एंड सेकेंड था कौन सा गाना यूज़ करें. तो फाइनली वी डिसाइड ऑन ए किशोर कुमार सॉन्ग, एक हसीना से, एंड उस गाने के ऊपर दिन इसको फिल्माया गया. और रिगले और डबल मिंट और हमारी जो एजेंसी है BBDO, इनके साथ मिलकर इसको प्लान किया गया. और मैं और मेरी कंपनी राइजिंग सन फिल्म्स ने इसको प्रोड्यूस किया. और मुकेश छाबड़ा ने कास्टिंग किया इस फिल्म का, वो बहुत अच्छे मेरे दोस्त बन गए हैं अभी. और बस ये लड़की जो इसका नाम है बनीता है, लड़का सौरभ. जिस तरह की आप फिल्में बनाते हैं, हार्ड हिटिंग फिल्में, तो वो ज़्यादा आसान होता है कहानी कहने के लिए कि ये लव स्टोरी ज़्यादा आसान थी आपके? नहीं, वो मुझे ज़्यादा आसान लगता है. लव स्टोरी बनाना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि लव स्टोरी में जो दिल की जो इतनी प्योरिटी जो चाहिए होती है ना, वो थोड़ा ध्यान से, समय से, प्यार से निकलता है. इसीलिए आई थिंक लव स्टोरी बनाना बहुत डिफिकल्ट है. जैसे कि आपने कहा कि आप फ्यूचर में लव स्टोरी बनाना चाहेंगे, तो ऐसी कोई कहानी है जो आपके जहन में हो या फिर? हाँ, वो कहानी है, लेकिन तेरे को बताऊंगा नहीं. वो कहानी में है, मेरे कहानी जहन में लव स्टोरी बनाने का, और जल्दी बनाने वाला हूँ मैं कहानी लव स्टोरी. तो कौन होगी उनके एक्टर आपके दिमाग में जो आपको रोमांटिक लगे? यार मतलब बॉलीवुड में से कौन एक्टर और एक्ट्रेस जो रोमांटिक है? बहुत है, आई मीन नई पीढ़ी में से सब बहुत से लोग हैं. रणबीर है, वरुण है, दीपिका इज देयर, आलिया इज देयर, बहुत सारे लोग हैं जो आई थिंक जो रोमांटिक फिल्म के लिए मैं करना चाहूँगा. इरफान के साथ भी मैंने किया अभी पीकू में. पहले आपकी पिंक, पहले पीकू आई है, फिर पिंक, और भी दोनों पी नाम से, और दोनों बहुत हिट गई है मूवी. तो यार रोमांटिक मूवी जो बनेगी वो पी नाम से होगी या कोई डिफरेंट होगा? नहीं नहीं यार, वो ऐसा पी नाम मैंने कोई जान मुझ के थोड़ा ही रखा था. देन ऑल्सो मतलब ऐसे ही वो पी नाम आ गया था यार. वो तो नाम रखने के बाद पता लगा पी और पी है. ओके, बट उसके साथ कुछ ऐसा जैसे नहीं है, पी के साथ कुछ नहीं है, बट करूँगा कुछ. हिट गई तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन लोगों को बहुत पसंद आई पिंक. इतना प्यार मिला है, नो मीन्स नो, इतना मतलब पावरफुल लाइन है. इसको लोगों ने अपनाया है, और मैं चाहूँगा कि इसको लोग अपनी ज़िंदगी में अपनाएं. तो मुझे मेरी हिट फिल्म तभी मुझे मज़ा आएगा बोलने में, पैसों के माध्यम से नहीं, बट अगर लोग इसको एक्चुअली अपनाएं और रेस्पेक्ट दें अपने महिलाओं को, घर पे, बाहर, जहाँ भी हो. बहुत 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 स्पेशल फिल्म है पिंक. पिंक को जो इतना प्यार मिला है आप समझेंगे नहीं, मानेंगे नहीं कि अभी भी मेरे को ट्विटर में, फेसबुक में, घर पे ऐसे चिट्ठियाँ आते हैं, लोग जार जार रोते हुए बाहर आते हैं. और शायद पहली बार होगा कि एक फिल्म जिसको टेलीविज़न में भी जब चल रही है, प्रीमियर हो रहा है, और हॉल में भी चल रही है. शायद पता नहीं, मुझे और कोई फिल्म ध्यान नहीं है कि ऐसा कब हुआ था कि फिल्म हॉल में भी है, और मेरी फिल्म हॉल में है, और आज फिल्म का प्रीमियर भी है. दंगल का ट्रेलर रिलीज़ हो गया, तो आपको कितना ट्रेलर आपने देखा और आपको कितना पसंद आया? बहुत अच्छा लगा, लड़कियां मुझे बहुत अच्छी लगी उसमें, जो लड़कियां हैं बहुत जेन्युइन लगी. सुल्तान से कहीं रिलेट नहीं करती ऐसा नहीं लगता? मैंने पूरी तरह दूसरे फिल्म देखा नहीं है. मैं बहुत सारी फिल्म इस साल पिंक में बिजी था इसलिए देख नहीं पाया, बहुत कम ही फिल्म देख पाया, लेकिन मुझे ट्रेलर देखा दंगल का, अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. लास्ट क्वेश्चन सर, जैसा कि आपने बोला कि फीचर फिल्म बनाना शॉर्ट मूवी में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो सर आप एक बार ऑडियंस को बताएंगे कि फीचर फिल्म जब भी लंबी होती है वो ईजियर होता है अगर आपको कम समय में एक मैसेज कन्वे करना हो, थोड़ा सा बता सकते हैं? सी क्या है, इजियर तो कहीं भी नहीं होता चाहे शॉर्ट है. शॉर्ट फिल्म में फ़ायदा ये होता है कि एक है 30 सेकंड में कमर्शियल बोलना, वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि 30 सेकंड में इतनी बड़ी स्टोरी कह जाना, कैरेक्टर से, उनके कॉस्ट्यूम से, कहानी से, वो टफ इसलिए होता है कि समय कम है, और आपको एक ही मतलब नज़र में आपको समझा देना है कि ये क्या क्या आया विद डिफरेंट लोकेशन, क्या किस तरह के ये मतलब कैरेक्टर्स हैं, क्या बोलना चाहते हैं, क्या इमोशन है, और उसमें आपको इमोशनल भी करना है, आपको प्रोडक्ट भी बोलना है, कहानी बोलना, तो इसलिए वो डिफ़िकल्ट होता है आई थिंक. बट आई थिंक क्राफ्टिंग इसमें रियल क्राफ्टिंग का काम आता है. सो एड में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यू कैन लर्न अ गुड क्राफ्ट.